रेलवे पुलिस जबलपुर ने पकड़ा शातिर चोर, चोर से हुए जेवर बरामद। जीआरपी थाना प्रभारी मंजीत सिंह ने बताया कि बीती रात जीआरपी की टीम ने शंकरगिरी नामक युवक को पकड़ा, जिसके पास से 5 लाख रुपए कीमत के सोने और चांदी के जेवरात और मोबाइल बरामद किए गए। वह जीआरपी पुलिस की इस सफलता के लिए एसआरपी सुनील जैन द्वारा टीम को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। थाना प्रभारी जीआरपी द्वारा बताया गया कि शातिर चोर और भी चोरी की वारदात को अंजाम देने में लगा हुआ था कि जीआरपी ने दबोच लिया। साथ ही इसके संगत में जो भी रह रहा था उनकी भी पतासाजी हेतु जानकारी जुटाई जा रही है। ये लॉकडाउन जब से समाप्त हुआ उसके बाद से कुछ बदमाश पुनः सक्रिय हो गए थे, तो उनकी धरपकड़ के निर्देश पुलिस अधीक्षक रेल श्री सुनील कुमार जैन साहब द्वारा दिए गए थे। उसी के तारतम्य में हमारी टीम जो थी लगातार कटनी तरफ और इटारसी तरफ पेट्रोलिंग ट्रेनों में कर रही थी। इसी पेट्रोलिंग के दौरान सूचना मिली कि शंकर गिरी नाम का बदमाश है, जिसके खिलाफ इटारसी में चोरी के 24 प्रकरण हैं और ऐसी गाडरवारा में भी 2 से 3 प्रकरण उसके चोरी के हैं। उसकी सूचना प्राप्त होने पर उसको पेट्रोलिंग के दौरान गोटे गांव में उसके करेली कला गांव में तलाश की गई, वहां से वो फरार हो गया। फिर उसको जो है हम लोगों ने मदनमहल स्टेशन के पास उसको हिरासत में लिया। उसके पास से चोरी के 2 मोबाइल मिले थे जिन्हें जब्त किया गया। फिर थाने लाकर जब आरोपी से विस्तृत और डिटेल हिकमत अमले से पूछताछ की गई, तो पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया कि उसने ट्रेनों में कई चोरियां की, जिसके अंदर उसको सोने चांदी के जेवरात भी मिले थे। और कार्रवाई के दौरान उसके कब्जे से हमने करीब 5 लाख रुपए के सोने और चांदी के जेवरात भी जब्त किए हैं। पूछताछ में ये भी बात पता चली कि उसका एक तिलक पटेल नाम का एक साथी भी है, जिसकी एक मौसी भोपाल में रहती है। इन्होंने कुछ चोरी का सामान उस मौसी को दिया था, जिसने वह सोना जो है एक प्राइवेट बैंक में भोपाल में लोन रख के लोन ले लिया है। वो अभी भी उस बैंक में रखा है। इस संबंध में भी हमने लिखा पढ़ी शुरू कर दी है और हमारी टीम जल्दी जाकर भोपाल में जो 4.5 से 5 तोला सोना रखा उसको भी जब्त करके और कार्रवाई करेगी। अभी ये जो चोर पकड़ा गया है तो इनको और भी पहले, हाँ, इसके खिलाफ इटारसी में 24 प्रकरण है चोरी के। ये करीब 10 महीना जेल में था और छूटने के बाद फिर उसी गतिविधियों में लग गया। मतलब कहा जाए तो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा, पूर्णतः आपराधिक है। केवल इसके नाम भर का है कि ये करेली कला गांव गोटे गांव का रहने वाला है, वहाँ कभी नहीं रहता है। ये हमेशा रीवा और होशंगाबाद, और जब पकड़ा जाता है तो अपना पता भी पूरा गलत ही बताता है। हर जगह उसका इटारसी में भी जो पता लिखा है वो सब गलत लिखा, कहीं उसने अपने स्थायी पते का उल्लेख किया ही नहीं है। तो संभवतः मतलब और भी जानकारियां जुटाने में अभी जीआरपी लगी हुई है। हाँ बिल्कुल लगी हुई है, और उसके साथियों की भी तलाश में लगी हुई है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रिएट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।